हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग टैली प्राइम का सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें आपको टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में आपने जो कंपनी क्रिएट की है, वो कंपनी अगर आपको टैली प्राइम में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे कर सकते हैं और कैसे उसके ईजी स्टेप्स से, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, और उसमें चेंजेस अगर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर जीएसटी एक्टिवेशन करना है तो वो भी मैंने पूरी जानकारी आपको दी है मेरे पहले वीडियो में, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है गाइस, कि आपको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र करके एक फोल्डर बना के रखा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको आपके जो टैली ईआरपी 9 इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो कंपनी आपको ट्रांसफ़र करना है, ओके, वो कंपनी का आपको बैकअप लेना है, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बैकअप में जाऊँगा, और ये बैकअप में जाने के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन आता है, ठीक है। तो इसी डेस्टिनेशन में आपको आपका पाथ जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। तो आप क्या करना है, आपको ये जो फोल्डर बना है इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो और इसको करो कॉपी। कंट्रोल सी से आप करो इसको कॉपी, और टैली में आके डेस्टिनेशन में करो ऑल्ट कंट्रोल वी। इस तरीके से ये लिंक आपका, सॉरी, ये जो पाथ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जब एंटर करेंगे तो आपको जो भी कंपनी आपको बैकअप लेना है वो आराम से आप बैकअप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ, आरसीएम। तो मैंने यहाँ पे आरसीएम पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने एंटर किया और यस कर दिया। अब क्या हो गया, इस तरीके से ये मेरा बैकअप हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफ़र के अंदर एक फ़ाइल आ चुकी है, बैकअप जो मैंने बनाया था आरसीएम का वो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपका जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है, ठीक है। ये मैं ओपन करता हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। अब देख सकते हैं बहुत आसान स्टेप्स हैं, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें, ईजीली आप कर सकते हैं। टैली प्राइम थोड़ा सा लेट होगा ओपन होने के लिए, तो आपको वेट करना है। नाउ अभी आपको यहाँ पे डेटा करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीस्टोर ऑप्शन, इस रीस्टोर ऑप्शन पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा स्पेसिफाई पाथ एंड स्पेसिफाई सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो आपने जो पाथ को कॉपी करके रखा है वही पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना है, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जब जाओगे तो यहाँ से आपको आपके जो ड्राइव्स होंगे वो यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, वहाँ पे ट्रांसफ़र करके आ रहा है, और ये रहा वो आरसीएम का फाइल जो हमको ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप जब क्लिक करके एंटर करोगे तो अपना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाई पाथ पे डायरेक्ट एंटर करना है, और यहाँ पे वो आपका पाथ कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। टैली प्राइम में आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि आपको ऑल्ट कंट्रोल सी ऑल्ट कंट्रोल वी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी है टैली प्राइम में नॉर्मल, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस एंटर टैब, एंड यहाँ पे बोलेगा कि ये कंपनी का आपको बैकअप लेना है। तो इस आरसीएम पे आपको एंटर करना है और आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसको यस करना है, और यस करके ये आपका कंपनी अब इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। नाउ जब हम यहाँ पे इसको यस करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा, माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा कंपैटिबल विद द रिलीज, ठीक है। जब आप कोई कंपनी माइग्रेट करते हो टैली ईआरपी 9 से टैली प्राइम में, तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा। तो आपको माइग्रेट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे सेम वैसे ही जाना है स्पेसिफाइड पाथ में, और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी करके एंटर करना है। याद रखना है आपको ये करना है, वरना आपका माइग्रेशन होगा नहीं, आपको एरर आ जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पाथ आपका यहाँ पे अब आ चुका है। एस्केप प्रेस करना है, अब यहाँ पे वो पाथ इजीली आपका आ चुका है, और फिर आप अब यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका माइग्रेशन चालू हो चुका है, जो जो कंपनीज आपने माइग्रेशन करना चाहते हो आपके माइग्रेशन हो जाएगा। और माइग्रेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट में जाना है, ओके। और सेलेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, कंपनी सर्च करनी है, क्या नाम था हमारा, RCM, ये RCM। अब यहाँ पे आएगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड, तो उस पर आपको एंटर करना है, और आपको चेक करना है कि आपका जो पाथ था, ठीक है, वो यहाँ पे है कि नहीं, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पाथ वो है यहाँ पे, फिर मैं डायरेक्टली माइग्रेट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको येस कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि माइग्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है होना, और यहाँ पे इसका माइग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरा जो RCM कंपनी था, वो कितना इजीली मैंने टैली ERP 9 से टैली प्राइम में कंपनी को ट्रांसफ़र कर लिया है, उसको माइग्रेशन कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी कंपनी कोई भी जो टैली प्राइम में है, उसको ईजीली टैली प्राइम के अंदर माइग्रेशन कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ने यही देखा कि कैसे आप अपने टैली ERP 9 के कोई भी कंपनी को ईजीली टैली प्राइम जो न्यू सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे माइग्रेशन कर सकते हो। आप इसको कोई भी वे से कर सकते हो, आप इसको लिंक से भी कर सकते हो, आप इसको ड्राइव से भी कर सकते हो, जो मेथड आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करके ईजिली माइग्रेशन कर सकते हो। अगर आपको माइग्रेशन करते हुए कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी एरर आता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, मैं उस एरर को ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। आने वाले डेज में हम टैली प्राइम से रिलेटेड सारे वीडियोस कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एवरी डे एक एक वीडियो एटलीस्ट अपडेट करता रहूँ, अपलोड करता रहूँ, ताकि आप लोग एवरी डे नए नए टॉपिक्स आप सीखते रहो। सो होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विथ एवरी वन। जितना हो सके आप ये वीडियोज़ को शेयर करें गाइस, ताकि और लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।